फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने चैनल एम जी एम केरियर इंस्टीट्यूट में तो स्टूडेंट्स आज हम बफर सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और हाँ आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले ओके स्टूडेंट्स तो आइए हम बात करते हैं आनी क्रिकुलरम में आज फर्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो क्या है बफर सॉल्यूशन तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो कि पीएच में चेंज को रेजिस्ट करते हैं पीएच में चेंज नहीं होने देना चाहते जब हम स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस मिलाते हैं ठीक है तो जो डेफिनेशन है वो है सॉल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन पी आफ्टर एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज नोन एज बफर सॉल्यूशन ठीक है इनको बफर सॉल्यूशन बोलते हैं टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन दो तरह के होते हैं सिंपल बफर एंड मिक्सड बफर सिंपल बफर में क्या होता है वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट होता है वीक एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट होता है सिंपल बफर ठीक है और नेक्स्ट बफर में दो तरह के होते हैं एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर ठीक है सिंपल बफर सिंपल बफर क्या होता है अभी मैंने बोला सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस इज नोन एज सिंपल बफर हम पढ़ चुके हैं प्रोटीन एमिनो एसड्स एन एच फोर सी एन सी एस टी सी डब्लू एन एच फोर एल आई एफ ये सब क्या है सिंपल बफर मतलब सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस है और इसका पीएच का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं एंडोलाइसिस में क्या आएगा सेवन प्लस पी के बाई टू माइनस पी के वी बाई टू ये फॉर्मूला आता है ठीक है नेक्स्ट आता है मिक्स बफर मिक्स बफर में फर्स्ट है एसिडिक बफर तो एसिडिक बफर होता क्या है एसिडिक बफर होता है वीक एसिड का सॉल्यूशन प्लस उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में सॉल्ट एक तो ये डेफिनेशन है वीक एसिड का सॉल्यूशन और इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में सॉल्ट अब मैं आपको यहाँ पहले एक चीज़ बता दूँ कि जो बफर होता है बफर सिस्टम है ना बफर उसमें स्ट्रॉन्ग पार्ट स्ट्रॉन्ग पार्ट मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का कोई काम नहीं है ठीक है स्ट्रॉन्ग पार्ट का कोई काम नहीं है ठीक है तो यहाँ पे क्या बोला मैंने सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में सॉल्ट तो ये वीक एसिड है और इस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में सॉल्ट सी एस टी सी ओ एन ए ये वीक एसिड है इसका सॉल्ट ये है एच सी एन वीक एसिड इसका वीक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में सॉल्ट लेकिन एच और एन फोर बफर नहीं है क्योंकि जो एच है उसका वीक एसिड के साथ सॉल्ट नहीं है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट क्योंकि एन एच फोर जो है क्या है इसमें क्या है एन एच फोर और एच तो दोनों ही क्या हैं वीक बेस वीक एसिड ठीक है weak base, weak acid, तो ये सफ़र नहीं है। दूसरा है एच थ्री पी ओ फोर एन एस टू पी ओ फोर ये है एच सी एन एन सी एच थ्री सी ओ एन ए यह है तो सही सॉल्ट लेकिन ये इसका सॉल्ट इससे कोई रिलेशन है ही नहीं तो ये भी बफर नहीं होगा ये भी बफर नहीं होगा दूसरा डेफिनेशन है वीक एसिड प्लस इस कॉन्जुगेट तो कॉन्जुगेट क्या होते हैं कॉन्जुगेट होते हैं जिन ऐसे दो कंपाउंड जिनमें एक एच प्लस या फिर एक ओ एच माइनस का डिफरेंस होता है ठीक है एक एच प्लस या फिर एक ओ एच माइनस का डिफरेंस होता है वो क्या होते हैं कॉन्जुगेट तो वीक एसिड एच थ्री पी ओ फोर इसका कॉन्जुगेट कच प्लस का डिफरेंस मतलब एच टू पी ओ फोर माइनस अगर मैं एच टू पी ओ फोर माइनस ले लूँ तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा एच पी ओ फोर टू माइनस अगर मैं एच पी ओ फोर टू माइनस ले लूँ उसका इसका कॉन्जुकेट होगा तो क्या होगा पी ओ फोर थ्री माइनस तो अगर ये दोनों प्रेजेंट है सॉल्यूशन में तब तो बफर है लेकिन अगर मैं एच थ्री पी ओ फोर एंड पी ओ फोर थ्री माइनस ले लूँ तो ये बफर नहीं बनेगा क्योंकि ये इसका कॉन्जुगेट नहीं है ठीक है नेक्स्ट आता है एसिड बेस की रिएक्शन एसिड ले लिया बेस ले लिया ये बनाया एच सी सी डब्लो के एच टू अब यहाँ पे सपोज एसिड के वीक एसिड के मोल हैं टू और स्ट्रॉन्ग बेस के मोल है वन तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि जो बफर होता है उसमें स्ट्रॉन्ग पार्ट का कोई काम नहीं होता तो इसको बनना पड़ेगा यहाँ पे क्या लिमिटिंग रिएजेंट ये कम रहेगा हमेशा है ना तो ये ज़ीरो हो जाएगा ये बनेगा टू माइनस वन और ये बनेगा वन ठीक है तो सॉल्यूशन में अब क्या क्या प्रजेंट है एच सी डब्लो के एन एच सी ये एच सी ओ डबल एच है सॉरी ठीक है तो सॉल्यूशन में क्या प्रजेंट है एच सी डब्लो एच एन एच सी डब्लो के एच सी डब्लो एच एन एच सी डबल ओ के तो ये क्या है एक वीक एसिड और इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में ये सॉल्ट है तो ये क्या बना रहा है यहाँ पर बफर तो एसिडिक बफर यहाँ पर बना रहा है नेक्स्ट है बेसिक बफर बेसिक बफर में केस फर्स्ट वही वीक बेस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में सॉल्ट तो ये इसके एग्जाम्पल है कुछ एन एच ओर एच एन एच ओर सी एर एन एच फोर एच एन एच फोर एन एच थ्री जेड एन ओ एच टू जेड एन ओ सी एल ठीक है दूसरा है वीक बेस और इसका कॉन्जुगेट जैसे एन एच फोर प्लस एन एच फोर ओ एच एन एच फोर प्लस एल आई ओ एच एल आई प्लस एन एच थ्री एन एच फोर सी एल ये क्या हैं सारे बेसिक बफर हैं थर्ड है एसिड प्लस बेस की रिएक्शन अगेन एन एच फोर एच सी एल तो जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको क्या होना पड़ेगा एल आर बनना पड़ेगा जीरो होना पड़ेगा तो ये जीरो हो गया यहाँ सॉल्यूशन में एन एच फोर ओ एच और एन एच फोर सी एल बचा जो कि बेसिक बफर बनाते हैं ठीक है नेक्स्ट आता है बफर एक्शन बफर एक्शन क्या होता है बफर एक्शन वो होता है कि ये जो बफर है ये कैसे काम करता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को हम डालते हैं तो पी में चेंज कैसे रोकता है वो है ठीक है तो जैसे एन एच फोर सी एन है एन एच फोर सी एन को ब्रेक करेंगे तो एन एच फोर प्लस सी एन माइनस मिलेगा ठीक है तो ये दोनों ही क्या हैं बफर आयन है ठीक है वीक पार्ट से जो आयन आ रहे हैं उनको बफर आयन बोलते हैं नेक्स्ट है एसिडिक बफर सबसे पहले इसमें बफर एक्शन में एसिडिक बफर लेते हैं तो हमने यहाँ पर एक एसिडिक बफर ले रखा है सी एस टी सी डब्लू एच एन सी एस टी सी डब्लू एन ए शुरुआत में इनकी कंसनट्रेशन सी वन एन सी टू मैंने ली हुई है ठीक है तो एक बार तो इसमें मैं क्या करूँगा स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाऊंगा और एक बार मैं इसमें क्या करूँगा स्ट्रॉन्ग बेस मिलाऊंगा तो फिर देखूँगा कि क्या होता है ठीक है तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड एस सी एल मिलाया सपोज़ और एस सी एल की कंसनट्रेशन मैंने ले रखी है बी मोलर ठीक है तो जब एस सी एल मिलाऊँगा यहाँ पर देखना स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर ये करना आ गया तो बफर के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जब एस सी एल मिलाया तो एस सी एल क्या है एसिड है एस सी एल क्या है एसिड है ना तो ये इन दोनों में से एसिड से जाके तो रिएक्ट करेगा नहीं है ना तो ये किससे जाके रिएक्ट करेगा ये सॉल्ट से बस यही पहचान लाना चाहिए कि रिएक्शन किससे हो रही है सॉल्ट से रिएक्शन सी एस टी सी एन एस सी एल क्या बनाएगा सी एस टी सी डब्लू एच एन ए सी एल सॉल्ट की कंसनट्रेशन शुरुआत में मैंने ले रखी है सी टू और ये बी मोलर मिलाया अब जब बफर होना है तो इसको क्या होना पड़ेगा एल आर एल आर होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा ये बचेगा कितना सी टू माइनस बी और ये बनेगा कितना पहले बी बनेगा यहाँ पे ठीक है लेकिन ये सॉल्यूशन में पहले से ही सी एस टी सी एच कितना रखा हुआ है सी वन तो यहाँ पे सी वन क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा अब सॉल्यूशन में ओनली सी एस टी सी ओ एन ए एंड सी एस टी सी डब्लू एच प्रेजेंट है क्योंकि एस सी एल तो जीरो हो गया तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं एसिडिक बफर ठीक है buffer, तो जब एस सी एल को मिलाते हैं तो इस तरीके से रिएक्शन होती है अगेन अगर स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएं एन ओ NAH, एच वही बी मोलर मिलाया है मैंने ठीक है तो स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाऊंगा अगर तो बेस जो है वो इससे जाके तो रिएक्ट करेगा नहीं क्योंकि इसमें एन एच एन ए पहले से ही प्रेजेंट है तो वो किससे जाके रिएक्ट करेगा सी एस सी सी डब्ल्यू एच से तो सी एस टी सी डब्ल्यू एच की एन ओ एच सी रेक्ट कराएंगे तो सी एस सी सी एन एच टू बनेगा सी एस सी सी डब्लू एच सी वन है ये बी मोलर मिलाया है और जब बफर बनता है तो इसको एलार होना पड़ता है स्ट्रॉन्ग पार्ट को तो ये हो जाएगा ज़ीरो ये बनेगा सी वन माइनस बी ये शुरुआत में बनेगा बी और पहले से सॉल्यूशन में रखा हुआ है कितना सी टू और सॉल्यूशन में अब ये दोनों प्रेजेंट हैं और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं एसिडिक बफर तो इस तरह से एसिडिक बफर की प्रोसेस होती है है ना बफर एक्शन होता है नेक्स्ट है बेसिक बफर तो हम एक बेसिक ले बफर ले लेते हैं एन एच फोर वही सी वन अब की बार मैं क्या करूँगा इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाऊँगा इसमें भी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाऊंगा और रिएक्शन कैसे होती है वो देखना है बस अपने को जब स्ट्रॉन्ग एसिड एस सी एल मिलाया तो वही कितना मिलाया बी मोलर ही मिला रहा हूँ मैं है ना तो बी मोलर मिलाया मैंने तो देखो ये एसिड है तो ये किससे जाके रिएक्ट करेगा बेस से जाके रिएक्ट करेगा है ना तो एन एच फोर वे से रिकेगा तो एन एच फोर वच एस सी एल एन एच फोर सी एल एच टो बनेगा एन एच फोर वच का शुरुआत में सी वन है ये बी मोलर मिलाया अगेन इसको क्या पन, बनना पड़ता है एल आर तो ये ज़ीरो हो जाएगा सी एन माइनस बी बचेगा और ये बनेगा बी और पहले से ये सॉल्यूशन में कितना रखा हुआ है सी टू और ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं बेसिक बफर अब इसमें अगर मैं एन एच डाल दूँ तो एन एच बेस से जाके रिएक्ट करेगा नहीं क्योंकि एन एच खुद बेस है तो ये किससे से रिएक्ट करेगा एन एच फोर सी एल से तो जो एन एच फोर सी एल है उसकी रिएक्शन करवाएंगे एन एच से तो बनेगा एन एच फोर ओ एच और एन एच सी एल ये सी टू कंसनट्रेशन है ये बी मिलाया जीरो होना पड़ेगा इसको बफर बनाने के लिए तो ये एल आर ज़ीरो हो गया ये सी टू माइनस बी ये बनेगा बी और शुरुआत में पहले से ही कंसनट्रेशन रखी हुई है सी वन तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे यहाँ पे बेसिक बफर सॉल्यूशन ठीक है अब इनका पी एच कैसे निकालते हैं तो पहले एसिडिक बफर के लिए फिर बाद में बेसिक बफर के लिए तो पी एच ऑफ एसिडिक बफर तो अगेन कोई भी एसिडिक बफर ले लेते हैं जैसे इस बार मैंने ले लिया एन ए सी एन और एस सी एन तो पी एच के लिए मुझे क्या चाहिए मेनली एच प्लस आइन चाहिए ठीक है एच तो एच प्लस आएगा मेरे पास एस सी एन से SCN एस सी एन को ब्रेक किया एच प्लस सी एन माइनस में एस सी एन एक वीक एसिड है वीक एसिड के लिए क्या डिफाइंड होता है के लिख दूंगा मैं के एच प्लस इंटू सी एन माइनस अपॉन एच सी एन यहाँ से एच प्लस की वैल्यू निकालूंगा के एस सी एन अपॉन तो जो पी एच होता है वो क्या होता है माइनस में लॉग ऑफ एच प्लस तो इस पूरी इक्वेशन का माइनस लॉग में ले लूँगा है ना और इसका भी तो ये हो जाएगा माइनस लॉग एच प्लस माइनस लॉग के प्लस माइनस लॉग एच सी एन अपॉन सी एन माइनस यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी मैंने लगा दी ठीक है माइनस लॉग एच प्लस हो गया पी एच ये हो गया पी के और ये जो माइनस है ये अंदर गया तो जो सी एन माइनस है ऊपर आ जाएगा और सी एन नीचे चला जाएगा ठीक है तो ये जो फॉर्मूला बना अपना पी एच इक्वल्स टू पी के प्लस लॉग में सॉल्ट अपॉन एसिड तो सी एन माइनस कहाँ से आ रहा है सॉल्ट से आ रहा है ना इसलिए सॉल्ट की कंसनट्रेशन लिख दी ऊपर ठीक है इसको और भी बोल सकते हैं आयनाइज पार्ट अपॉन अन आयनाइज पार्ट क्योंकि जो सी एन माइनस है वो आयनाइज है और एच सी एन जो है वो अन आइनाइज है ये भी बोल सकते हैं और दूसरा पी एच इक्वस टू पी के प्लस लॉक कॉन्जुगेट अपॉन एसिड एसिड क्या एच सी एन इसमें से एक एच प्लस हटा दूँ तो सी एन माइनस बनेगा और जो एक एच प्लस और ओ एच माइनस का डिफरेंस होता है वो दोनों कंपाउंड क्या होते हैं कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे के कॉन्जुगेट पर तो इस तरीके से ये वाला फार्मूला भी हमारा बन जाएगा पी एच इक्व टू पी के प्लस लॉक कॉन्जुगेट अपॉन एसिड ठीक है है ना और इन दोनों इक्वेशन को हम बोलते बोलते हैं हैंडरसन इक्वेशन हैंडरसन इक्वेशन ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है बेसिक बफर तो बेसिक बफर के लिए पी निकलेगा पी तो निकलेगा नहीं तो सेम प्रोसेस होगी लेकिन बस फॉमूला बदल जाएगा पी ओ एच इक्व टू पी के भी जहाँ के आ रहा था वहाँ के भी आएगा और जहाँ एसिड आ रहा था वो बेस आएगा बस लॉक सॉल्ट अपॉन बेस एंड लॉक कॉन्जुगेट अपॉन बेस बाकी सेम चीज़ रहेगी और इस सॉल्यूशन का अगर अपने को पी निकालना है तो अपने को पता ही है पी एच प्लस पी ऐच इक्व टू फोर्टीन होता है लेकिन किस पे होता है ये एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस पे ठीक है चलो नेक्स्ट है पी एच रेंज ये पी एच रेंज क्या होता है मतलब हम किसी भी सोल्यूशन को बफर नहीं बोल सकते हैं हम बफर कब बोल सकते हैं जैसे कि एसिडिक बफर की पी एच रेंज क्या होगी जब सॉल्ट अपॉन एसिड का जो कंसनट्रेशन का जो रेशियो है वो क्या होगा टेन की पावर माइनस वन से टेन के बीच में होगा ठीक है अब मैं अगर इस इस पूरी इक्वेशन का लॉग ले लूँ तो ये बन जाएगा माइनस वन से प्लस वन लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड इस पूरी इक्वेशन में पी के मैं ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा पी के माइनस वन पी के प्लस लॉग ये और ये तो ये इक्वेशन बीच में क्या बन गई पी तो पी की वैल्यू आ जाएगी पी के प्लस माइनस वन ये इसकी रेंज हो जाएगी ठीक है एसिड एक बफर की और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि बेस्ट बफर क्या है तो ये प्लस माइनस वन तो क्या हो रहा है ऐड हो रहा है कभी ऐड हो रहा है कभी माइनस हो रहा है तो अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये बेस्ट बफ़र बन जाएगा तो पी एच इक्व टू पी के वाली कंडीशन पे जो बफर होता है वो बेस्ट बफर होता है और कब होता है जब साल्ट और एसिड की कंसनट्रेशन सेम हो जाती है ठीक है सेम टू सेम काम हम किस में करेंगे बेसिक बफर में <coughs> बेसिक बफर में क्या होगा सॉल्ट अपॉन बेस की कंसनट्रेशन टेन की पावर माइनस वन से टेन के बीच में रहेगी जिसको अगेन वैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पी की वैल्यू पी के प्लस माइनस वन आ जाएगी ठीक है और बेस्ट बफर के लिए पी की वैल्यू पी के के बराबर होती है कब बेस्ट बफर कौन सा बेसिक बफर ठीक है और जब कब होता है ये सॉल्ट और बेस की कंसनट्रेशन जब सेम हो जाती है तब ऐसा होता है ठीक है नेक्स्ट आता है अपना बफर कैपेसिटी ठीक है बफर कैपेसिटी तो बफर कैपेसिटी क्या है पहले तो मैं फॉर्मूले से आपको समझा देता हूँ बफर कैपेसिटी है जितने हम मोल हम एसिड और बेस के मिलाते हैं पर लीटर सॉल्यूशन में और उसकी वजह से जो चेंज इन पीएच आता है उन दोनों चीज़ों का रेशियो बफर कैपेसिटी कहलाता है और उसको हम फाइव से डिनोट करते हैं फाइव ठीक है क्या पढ़ते हैं इसको फाइव ठीक है तो ये क्या है इट इज़ अ कैपेसिटी ऑफ बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट द चेंज इन पी आफ्टर एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस और ये इसका फार्मूला है जो हमें याद करना है फार्मूला बेस इस पर क्वेश्चन होते हैं ओके okay, स्टूडेंट्स तो आई होप आपको आप आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा ये पूरा बफर सॉल्यूशन जो भी बफर में चीज़ें होती है वो सारा आज मैंने पढ़ा दिया है इसके आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन और इसके आगे का चैप्टर हम अगले वीडियो में कम्प्लीट करेंगे ओके स्टूडेंट्स थैंक यू